हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ऊतक यानी टिश्यू। आज की वीडियो में हम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में लास्ट में लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए, जिससे कि पता चले आपको कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कितना समझ आया, कितना याद हुआ है। ये आपको पता चलेगा तभी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम था जेवियर बिसेट ने किया था। तो सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेवियर बिसेट। और इसका विकास एक लैटिन भाषा के शब्द टेक्सर से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, बुनना है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें आप कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के अध्ययन की शुरुआत किसने की, तो सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्सेलो मेलपीगी, इन्होंने की थी। तो हिस्टोलॉजी के अध्ययन की शुरुआत की थी मार्सेलो मेलपीगी ने, और इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, तो मार्सेलो मेलपीगी है। ठीक है, ये नाम आप याद रखें। अगर आपसे पूछता है कि टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वहाँ पर आंसर होगा आपका जेवियर बिसेट ने। लेकिन अगर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी पूछता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा मार्सेलो मेलपीगी ने किया था। इतनी चीज़ें आप याद रखें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ऊतक के बारे में कि ऊतक क्या है। तो ऊतक वह कोशिकाएं होती हैं जो संरचना, कार्य और उत्पत्ति में समान होती हैं और आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, उन्हें ही ऊतक कहते हैं। और ऊतक सेल से बड़ी संरचना होती है। हमने कोशिका वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके निर्माण होता है ऊतक का। तो ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं ऊतक, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को कहते हैं अंग, और अंग से निर्माण होता है अंग तंत्र का, और अंग तंत्र से मिल करके बनता है जीव। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, और ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होता है, उन्हें ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उन्हें ऊतक कहते हैं। जब कोशिकाएं समूह में होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। और ऊतक की बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। जंतु ऊतक को एनिमल टिश्यू बोलते हैं और पादप ऊतक को प्लांट टिश्यू बोलते हैं। पादप ऊतक के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, पादप ऊतक के बारे में हम वनस्पति विज्ञान वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। और ये जंतु ऊतक भी चार प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के हैं, तो इनके चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये चार प्रकार होते हैं जंतु ऊतक के। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ऊतक कहते किसे हैं, फिर हमने जाना ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, जिनमें हम कि एनिमल टिश्यू का अध्ययन कर रहे हैं। फिर हमने देखा एनिमल टिश्यू को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इनका हम अध्ययन करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उपकला ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। तो हमारे शरीर की ऊपरी सतह है, इसी से बनी है, उपकला ऊतक से। तो शरीर के सभी स्वतंत्र सतहों को ढकने का कार्य करता है उपकला ऊतक। यह ऊतक शरीर की खुली सतह यानी ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करता है, और यह शरीर के उन सभी जगह पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। और हमारी त्वचा यानी स्किन इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। इन्हीं ऊतक की कमी से त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जो स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो इन्हीं ऊतक की कमी से पड़ जाती हैं। और यह ऊतक शरीर को सुंदरता प्रदान करता है और चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये जो उपकला ऊतक है, कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का ये काम करता है।
और यह ऊतक शरीर को सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। और उपकला ऊतक भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन से? सरल सेल की उपकला, स्तरित उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक, जिनमें से जंतु ऊतक के भी चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से थे? तो उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसके अंतर्गत हम उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं और उपकला ऊतक में हमने देखा कि इसके भी चार प्रकार हैं, जिनमें से जो पहला है जिसका नाम है सरल सेल की उपकला। इसमें कोशिका की एक ही लेयर पाई जाती है। कोशिकाओं के समूह से तो ऊतक बनता है। हमने पढ़ा है कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है, लेकिन इसमें कोशिका की एक ही लेयर होती है, ये चीज़ याद रखें। तो सरल सेल की उपकला में कोशिका की एक ही लेयर पाई जाती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये पतली सी चपटी सी है, इसमें कोशिका की एक ही लेयर पाई जाती है। फिर जो दूसरा है जिसका नाम है स्तरित उपकला, इसमें कोशिकाओं की बहुत सारी लेयर होती हैं। और तीसरा है स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला, इसमें कोशिकाओं का जो आकार होता है स्तंभ की तरह होता है, ये आप देख सकते हैं कि इसका शेप स्तंभ की तरह होता है, इसीलिए इसे स्तंभाकार उपकला कहते हैं। और फिर है घनाकार उपकला, इसमें कोशिकाओं का आकार घन की तरह यानी क्यूब की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम है घनाकार उपकला। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं सरल सेल की उपकला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती हैं। तो ऐसे ऊतक की कोशिकाएं पतली होती हैं, यह आप देख सकते हैं कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि चपटे आकार की है और पतली लेयर है, इन कोशिकाओं में केंद्रक भी चपटे ही होते हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम किसे ले सकते हैं? जैसे कि हमारे शरीर की बाहरी सतह होती है, हमारे शरीर की बाहरी सतह, ये सरल सेल की उपकला का उदाहरण है। रक्त नलिकाओं की दीवार भी इसी से बनी होती है, यह भी सरल सेल की उपकला का उदाहरण है। और फेफड़ों के अंदर वायुकोश होता है, गुब्बारे नुमा एक संरचना होती है, जब हम सांस लेते हैं तो इसी में हवा भर जाती है, ये भी सरल सेल की उपकला का उदाहरण होता है, उसी की बनी होती है। और ग्रास नली, आहार नली भी इसी ऊतक की बनी होती है। तो शरीर की बाहरी सतह पर सरल सेल की उपकला पाए जाते हैं, फेफड़ों के अंदर जो वायुकोश होता है जिसमें हम सांस लेते हैं तो हवा भर जाती है, इनमें भी सरल सेल की उपकला पाया जाता है, और आहार नली में यानी ग्रास नली में, इसमें भी सरल सेल की उपकला पाया जाता है। इसके बाद अगला है स्तरित उपकला। स्तरित उपकला, इसका नाम स्तरित क्यों है? क्योंकि इसमें कई सारे स्तर अर्थात लेयर पाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है स्तरित उपकला। त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथीलियम परतें उपस्थित होती हैं। यह कोशिकाएं एक पैटर्न में होती हैं, इसलिए इसे स्तरित उपकला कहते हैं। तो स्तरित उपकला का कार्य क्या है? शरीर की कोशिकाओं को कटने फटने से बचाना, और ये एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, एक लेयर टाइप होती है, इसीलिए इसका नाम है स्तरित उपकला। उसके बाद अगला है घनाकार उपकला। घनाकार, यह ऊतक घन के आकार की कोशिकाओं से बना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इसका आकार कैसा है, तो क्यूब की तरह है, ये देखने में क्यूब की तरह है, और इसीलिए इसका नाम है घनाकार उपकला। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण है। तो ये ऊतक कहाँ पाया जाएगा? जहाँ स्राव और अवशोषण हो रहा हो वहाँ पाया जाएगा, जैसे कि लार ग्रंथियों में, गुर्दे की नलिकाओं में, वृषण और अंडाशय की ग्रंथियों के निर्माण में, इन सब में घनाकार उपकला पाया जाता है। तो जहाँ भी स्राव होगा वहाँ घनाकार टिश्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है स्तंभाकार उपकला। इनकी संरचना लंबी एवं पतली कोशिकाओं के स्तर के बनी होती है। आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये लंबी और पतली कोशिकाओं के स्तर की बनी हुई है। इनकी सतह पर माइक्रोविली पाए जाते हैं। तो माइक्रोविली क्या है? अंगुली नुमा संरचना। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है? तो ये वहाँ मिलेंगे, जैसे कि छोटी आँत है, अंगुली नुमा संरचना वहाँ पाई जाती है, वहाँ यही उपकला मिलेगा।
और अमासे की लाइनिंग में परतों में यहाँ भी स्तंभाकार उपकला देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा अगला ऊतक है पेशीय ऊतक। हमने ऊतक के चार टाइप्स पढ़े थे, जंतु ऊतक के, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, जिनमें से उपकला ऊतक हमने कंप्लीट कर लिया। उपकला ऊतक के चार पार्ट थे, सरल सल्की, स्तरित, स्तंभाकार और घनाकार, ये चारों हमने कंप्लीट कर लिए, तो उपकला ऊतक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है दूसरा हमारा कौन सा है, पेशीय ऊतक है। तो अब हम पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू, यह वह ऊतक है जिसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं। पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जो मसल सेल होती हैं हमारी, ये लंबी और पतली कोशिकाओं की बनी होती हैं। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि भी प्रदान करते हैं। तो जो पेशीय ऊतक हैं, पेशीय ऊतक के कारण ही हम अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं। इन पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। इसी संकुचन और शिथिलन से शरीर को गति मिलती है। तो हमारे मांसपेशियों में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, जिनसे कि हम अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। जैसे अपना हाथ है, हम हाथ को ऐसे मुट्ठी भी बंद कर सकते हैं, ऐसे फैला भी सकते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये पेशी ऊतक की वजह से हो रहा है। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, इसी की वजह से हम अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ सकते हैं और फैला सकते हैं। अब पेशी ऊतक भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेखीय पेशी ऊतक, अरेखीय पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। रेखीय पेशी ऊतक, इसे ही कंकाल पेशी ऊतक भी कहते हैं और इसे ही स्वैच्छिक पेशी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। इन्हें रेखीय ऊतक क्यों कहते हैं, तो इन ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार और रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय ऊतक कहते हैं। और कंकाल पेशी ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाल पेशीय ऊतक भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, कौन कौन से हैं, इसे रेखीय पेशीय ऊतक भी कहते हैं, स्वैच्छिक पेशीय ऊतक के नाम से भी जाते हैं और कंकाल पेशीय ऊतक भी कहते हैं। फिर दूसरा है अरेखीय पेशीय ऊतक, इसे चिकनी पेशीय ऊतक भी कहते हैं और इसे स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। और तीसरा टाइप है हृदय पेशीय ऊतक, जिसे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला प्रकार यानी रेखीय पेशी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। रेखीय पेशी ऊतक, इन ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एवं रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसीलिए इसे रेखीय पेशी ऊतक कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये लंबी बेलनाकार रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, हमेशा हड्डियों से ये जुड़ी होती हैं और शरीर को गति प्रदान करने में सहायक होती हैं, इसीलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। तो जो हमारी हड्डियां होती हैं, इसके ऊपर जो मसल्स होती हैं, उन्हें रेखीय पेशी ऊतक कहते हैं। हमने बात की थी कंकाल होता है, कंकाल के ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के ऊपर है स्किन। तो जो हमारी हड्डियां होती हैं, इसके ऊपर जो मसल्स हैं, उन्हें रेखीय पेशी ऊतक कहते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है, ये वहाँ पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। जैसे कि हमारा हाथ है, पैर है, इन पर हमारा नियंत्रण है, इन्हें हम कंट्रोल में रखते हैं। हमारा हाथ हमें कब चलाना है, कब काम करना है, पैर को कब सीधा रखना है, कब उसे मोड़ना है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। कब हमें चलना है, कब हमें बैठना है, तो ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। इन्हें हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्वैच्छिक पेशी ऊतक भी कहते हैं। तो अंगों पर हमारा नियंत्रण होगा, वहाँ रेखीय पेशी ऊतक पाए जाएंगे। तो जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होगा, वहाँ जो मसल पाई जाएंगी, वो स्वैच्छिक पेशी ऊतक की बनी होंगी। जैसे कि हमारा हाथ है, हमारे पैर हैं, हमारी गर्दन है, इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वैच्छिक पेशी ऊतक पाई जाएंगी, यह स्वैच्छिक पेशी ऊतक की बनी होंगी। फिर आगे है अरेखीय पेशी ऊतक, यह पतली और लंबी होती हैं, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें अरेखीय पेशी ऊतक कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हमने अभी पढ़ा कि रेखीय पेशी ऊतक जो थे, उनका संकुचन हमारी इच्छा अनुसार था, लेकिन अरेखीय पेशी ऊतक का संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। यह शरीर के उन अंगों पर पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और रेखीय पेशी ऊतक पर हमारा नियंत्रण होता है।
तो अरेखीय पेशी ऊतक पर हमारा नियंत्रण नहीं पाया जाता, यह शरीर के उन भागों पर पाए जाएंगी जहाँ पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, जैसे कि आहार नाल में भोजन का प्रवाह है, शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना, यहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारी छोटी आंत है, अमाशय है, तो क्या इन पर हमारा नियंत्रण है? तो नहीं, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम चाहे न चाहे ये अपना कार्य करेंगे। जैसे कि हमने भोजन कर लिया है, उसके बाद क्या अगर हम चाहें कि नहीं ये भोजन ना पचे, तो क्या नहीं पचेगा? वो अपना कार्य करेंगी, ठीक है ना। अमाशय भी अपना कार्य करेगा, छोटी आंत भी अपना कार्य करेगी, तो हम चाहे न चाहे ये अपना कार्य करेंगी। तो शरीर के वे अंग जहाँ हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वे अस्वैच्छिक पेशीय से बने होते हैं, और जिन पर हमारा नियंत्रण होता है वे स्वैच्छिक पेशीय से बने होते हैं। उसके बाद पेशी ऊतक का थर्ड पार्ट है, जिसे कहते हैं हृदय पेशी ऊतक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। हमारा हृदय है, तो हमारा हृदय हृदय पेशीय का बना होता है। यह हृदय के अंदर होती हैं और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। जैसे कि हमारा दिल है, हमारी मर्जी से नहीं धड़कता है, वो अपना कार्य करता रहता है, ठीक है ना। हम चाहें कि ना धड़के, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो रुक जाए, थोड़ी देर नहीं धड़केगा, वो तो अपना कार्य करेगा ही ना। तो यहाँ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता है। हार्ट हमारा हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता है। तो यह किस पेशी का बना है? तो यह हृदय पेशी ऊतक का बना होता है। अब आगे एनिमल टिश्यू का तीसरा प्रकार है तंत्रिका टिश्यू। दो प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीसरा है तंत्रिका टिश्यू, इसे देखते हैं। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो तंत्रिका ऊतक में हमारा मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व शामिल हैं, जो कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा तंत्रिका ऊतक नहीं है, जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाए चार, और पूछा जाए कौन सा तंत्रिका ऊतक का भाग नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो अगर आपको तीनों पता हैं तभी आप उसमें से जो भाग नहीं है उसे निकाल पाएंगे। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों ही इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ भी जो दिया होगा वो नहीं होगा। तो इन्हें आप तीनों को याद रखें, ठीक है। इन तीनों को आप याद रखें कि तंत्रिका टिश्यू में कौन कौन शामिल है। तो ब्रेन शामिल है, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है और नर्व्स शामिल हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अब है एनिमल टिश्यू का अंतिम प्रकार संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। संयोजी ऊतक में आता है हमारे अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, रक्त, यानी बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और ब्लड, ये आते हैं संयोजी ऊतक के अंतर्गत। तो इनमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले अस्थि के बारे में। अस्थि यानी बोन, पिछले वीडियो में हमने कंकाल तंत्र पढ़ लिया था पूरा, जिसमें हमने 206 हड्डियों के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं उसे। आज हम पढ़ते हैं अस्थि। अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है और शरीर को प्रोटीन और मूवमेंट प्रदान करती है अस्थि। WBC और RBC के फॉर्मेशन का भी काम करती है अस्थि। हमने बात की थी ना कि अस्थि में अस्थि मज्जा पाया जाता है, बोन मैरो, जहाँ पर निर्माण होता है RBC और WBC का। तो RBC और WBC के फॉर्मेशन का काम भी करती है अस्थि, और बोन के अंदर मिनरल्स को भी स्टोर करके रखती है। कौन कौन से मिनरल्स स्टोर करती है? तो कैल्शियम है और फास्फोरस है। कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस कम। तो बोन अपने अंदर मिनरल्स को भी स्टोर करके रखती है, जिनमें मिनरल्स में कौन शामिल है? कैल्शियम और फास्फोरस। और इसमें उपस्थित सेल्स को ऑस्टियोकाइट कहते हैं। तो अस्थि में जो उपस्थित सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है उपास्थि, कार्टिलेज। उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है और यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करता है और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे घुटने को मोड़ने के लिए यहां पर लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता है, तो यहां पर कार्टिलेज पाया जाएगा। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को कोंड्रियोसाइट कहते हैं। हमने देखा कि अस्थि में जो उपस्थित जीवित सेल्स थे, सेल्स को क्या कहते थे? ऑस्टियोकाइट कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि में उपस्थित सेल्स को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोकाइट कहते हैं।
और अगर उपास्थी में पूछता है तो कोंड्रियोसाइट कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आप क्लियर रखें। इसके बाद आगे है लिगामेंट और टेंडन। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। याद रखिए ये चीज़, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। और हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो लिगामेंट कहलाता है। तो अगर अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने वाला पूछता है तो वहाँ लिगामेंट होगा, और अगर अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक के बारे में पूछे तो वहाँ पर टेंडन होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये है लिगामेंट और ये है टेंडन। इसके बाद अगला है रक्त यानी ब्लड। ब्लड के बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिटेल में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लेते हैं कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनके अंदर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं। रक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। तो एकमात्र ऐसा संयोजी ऊतक जो लिक्विड फॉर्म में है वो है ब्लड। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा संयोजी ऊतक कौन सा है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो है ब्लड है। और इसी के साथ हमने एनिमल टिश्यू के चारों प्रकार पढ़ लिए हैं और यही हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है डैश। लिगामेंट एक रचना है जो किसे जोड़ती है, ये पूछा जा रहा है। हड्डी को हड्डी से, हड्डियों को मांसपेशियों से, या फिर त्वचा को मांसपेशियों के। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड्डियों को हड्डियों से। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करती है लिगामेंट, और अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है टेंडन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय डैश से बना होता है, यानी हृदय जो होता है वो किस ऊतक से बना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो भुजाओं में, हमारे हाथों में और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इनमें स्वैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है डैश, रक्त क्या होता है, कौन सा ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है। हमने पढ़ा था ना कि रक्त संयोजी ऊतक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो उपास्थियों में जो कोशिका पाई जाती है उसे कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑस्टियोसाइट किस में पाई जाती है? तो अस्थि में जो कोशिका पाई जाती है उसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट, और उपास्थियों में जो कोशिका पाई जाती है उसे कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है, इसे पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू का प्रकार नहीं है? तो उपकला है, संयोजी भी है और पेशीय भी है, अवकाशीय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवकाशीय। फिर अगला क्वेश्चन है, अस्थि है डैश, अस्थि क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि एक संयोजी ऊतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों तथा अस्थियों को डैश जोड़ती है। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। हमने पढ़ा था अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला है लिगामेंट, और अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले को कहते हैं टेंडन। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरेखित पेशी है। अरेखित पेशी कैसी होती हैं? तो अनैच्छिक होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। और इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।